हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। प्रतिदिन इस प्रकार के डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टेनोग्राफी के कोर्स कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल बन सके। अगर यदि आप प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हैं, तभी जाकर के तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन मिल सके। आज के डिक्टेशन की गति है 90 शब्द प्रति मिनट, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमको ऐसी चीजों की यहाँ चर्चा सचमुच में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे देशों के साथ भी संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन यह समाचार यहाँ आया है, क्या इससे कट्टरता नहीं बढ़ती है? वहाँ ढांचा ढह गया, इसके लिए खेद कम हो गया। तब से जब से ये खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में मिनिस्टर ने बड़े होकर बुलडोजर का उपयोग करके मंदिर ढहा दिए, वहाँ मंदिर ढहाने का कौन सा प्रोवोकेशन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का यह रिकॉर्ड है कि और सरकारों के जमाने में जो सांप्रदायिक दंगे होते थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पुलिस ने उनको दृढ़ता से दबाया। इस बात का भेदभाव नहीं किया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने रोका। गृह मंत्री अगर आज सत्य बोलेंगे तो यह स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कम दंगे हुए और जहाँ जहाँ दंगे हुए वहाँ उन्हें रोका गया। ये सरकारें क्यों भंग कर दी गई? क्योंकि इन सरकारों में काम करने वाले RSS के थे, तो इससे क्या हुआ? क्या वे अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहे थे? क्या केंद्र से उन्हें जो निर्देश दिया गया उनका उल्लंघन हो रहा था? सरकारें तो गई इसलिए कि वे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा शासित थी, लेकिन विधानसभाओं को क्यों तोड़ा गया? क्या उन्हें स्थगित नहीं रखा जा सकता था? क्या पहले विधानसभाएं स्थगित नहीं रखी गई? इन सरकारों को भंग करने के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थक पत्रों में भी संपादकीय लिखे हैं। इन संपादकीयों की निष्पक्ष राय है कि केंद्र सरकार का यह कदम प्रजातंत्र पर प्रहार है और संविधान विरुद्ध कार्य है। श्रीमान, इसके प्रकाश में हमें थोड़ा सा आत्मपरीक्षण करना चाहिए। कुछ संगठनों को बैन कर दिया, 6 दिसंबर की घटना के कारण उन पर बैन लगाया गया। क्या गिरफ्तारी से विचारों की लड़ाई जीती जा सकती है? यह लड़ाई केवल मंदिर की लड़ाई नहीं है, एक मानसिकता की लड़ाई है। यह ठीक है कि इस देश में तरह तरह के लोग आए, सदियों से आए, अलग अलग राज्य थे, मगर यह राष्ट्र एक रहा। गंगा यमुना संस्कृति की बात होती है। गंगा जहाँ यमुना से मिलती है वहाँ संगम होता है, मगर संगम के बाद गंगा सबको समेटती हुई आगे बढ़ती है। पैरा, श्रीमान नेहरू जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित करके
हुए कहा था कि आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, मगर इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है यह आपको पुलकित करती है। इस अभागे देश में अभी भी वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। इस देश में कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रहा, लेकिन अब ये आसार दिखाई दे रहे हैं। आप एक तरह की कट्टरता के साथ समझौता करके उसे बढ़ावा देकर दूसरी तरह की कट्टरता नहीं रोक सकते। ढांचा ध्वस्त होने पर मुझे खेद है। ऐसे प्रश्नों का समाधान शांति से होना चाहिए, चर्चा से होना चाहिए, लटका के नहीं रखा जाना चाहिए। इस मामले को अदालत में लटकाया, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्टॉप।